कोल्हापुर में बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल, दूर दूर तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भरा पानी, घरों और दुकानों में भी घुसा बाढ़ का पानी। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पोला सर्विस रोड पर आया बाढ़ का पानी, कई इलाकों का संपर्क कटा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट किया जारी, अगले दो दिन तक राज्य के 7 जिलों में अलर्ट। भारी बारिश के अनुमान के बीच 45 सड़कें बंद। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश के चलते दही पुलिया, करीब एक दर्जन से ज्यादा गांव के बीच टूटा संपर्क। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दो अलग अलग लैंडस्लाइड में दो लोगों की मौत, सीएमएम के स्टालिन ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। गुजरात के डांग में मानसून महोत्सव मेघमल्हार 2024 शुरू, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से किया गया आयोजन। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, 76 लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के चलते चौकीदार ने ट्रेन नंबर 16526 को रोका, ट्रेन की पटरियों पर दिखा पानी का तेज बहाव, रेलवे ने 3 ट्रेनों को किया रद्द। पहाड़ी पर भारी बारिश के बाद त्रिशूर चिमनी वन क्षेत्र में आया बाढ़ का पानी, पानी का तेज बहाव के चलते कई घर हुए जलमग्न। वायनाड के चूरमाला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी। केरल के 7 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कोझिकोड मलप्पुरम वायनाड और कासरगोड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से तबाही मची, पानी में बहा पुल, कई दुकान भी पानी में समाई। साबरकांठा में दो अलग अलग जगहों पर बिजली गिरी, मारवाड़ा गांव में बिजली गिरने से लाइव तस्वीरें आई सामने। दूसरी घटना में एक शख्स की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साबरकांठा में अंडरपास में डूबी सरकारी रोडवेज बस, बस में सवारी नहीं होने की वजह से कोई हताहत नहीं, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बचाया। रेलवे अंडरपास से गुजरने की कोशिश के दौरान पानी में डूबी बस, जान बचाने के लिए बस के ऊपर चढ़े थे ड्राइवर और कंडक्टर। साबरकांठा के प्रांतिज सहित आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल, लोगों के घरों में भरा पानी, जलभराव ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में हुआ जलभराव, सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित।